गोमती देवी स्मृति समारोह 2022, खूबसूरत महफिल और कितना खूबसूरत एक मुशायरा कवि सम्मेलन, बल्कि मैं मुशायरा कवि सम्मेलन ना कहकर ये कहूँगी कि साहित्यिक काव्य गोष्ठी है। हमें लाखों रुपया दिया जाता है और हजारों की भीड़ होती है, एक दो गजलें सुनाई और हम लिफाफा लेके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आज यकीन मानिए अच्छे शेर सुनने के लिए पैसे कुछ माने नहीं रखते। आज इस मुशायरे में सबने इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाए हैं कि आज के दौर में जितने भी कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे हैं, मुझे 40 साल हो गए ऐसा माहौल खत्म होता जा रहा है। अगर मैं पता नहीं झूठ कह रही हूँ या सच कह रही हूँ, ये बनारस वालों ने साबित कर दिया कि माहौल जिंदा किया जा सकता है। मैं यहाँ हूँ मेरे छोटे भाई दानिश की वजह से, मेरी छोटी बहन भावना की वजह से आ गई बस, लेकिन आज आपने भी साबित कर दिया कि तुम सही आई हो बनारस। चार पंक्तियां, इससे अंदाजा कि मुझे कितनी देर अपनी शायरी आप सबको सुना। एक बार तालियां बजा कर मेरा उत्साह बदल दीजिए। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, थोड़ा सही को बढ़ाना भाई पढ़ ले तो। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ, तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। शुक्रिया 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 बहुत। मैं तेरा इंतजार करती हूँ। चार पंक्तियां और सुना दूं। एक गुजारिश अगर मैं आप सबसे करूं, आप बहुत दूर हैं, थोड़ा सा ये खाली कुर्सियां, अच्छा हुआ है आप लोग सियासत में नहीं तो ये नजर थोड़ी आती, आप थोड़ा सा करीब आ जाइए तो अच्छा लगेगा। मैं तेरा इंतजार करती हूँ। अब चार मिसरे और सुना दूं, इजाजत देते रहिएगा मुझे। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद होता, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मैं समझ रही हूँ आप लोग वहां से यहाँ आने में मैंने, और मैं तो सुनाने में फिर गई, सुनाने ही जा रही थी। दिल किसी काम का नहीं होता, अब मैं चार मिसरे सुना रही हूँ, इससे अंदाजा लगाऊंगी कि मुझे अपनी शायरी को किस लेन पर ले जाना है, किस पटरी पर, अब इससे अंदाजा होगा। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, वाह वाह वाह, तेरी तस्वीर देख ले। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। हाँ ये तो अंदाजा मुझे हो गया कि नहीं, ये तो ये मामला यहीं से चलना चाहिए। तेरी तस्वीर देख लेती हूँ, अब सुनाती हूँ। सारे मंजर बदल
गए हो गए। दानिश भैया ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है शायरी का, तो मैं चाहती हूँ कि आज वो सुना दूँ जो बहुत कम सुनाती हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है। इजाजत अगर ऐसे ही मेरा साथ देंगे तो। सारे मंजर बदल, मनीष भैया थोड़ा सा गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे, आग इतनी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से जल गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका, शानदार। अब बहुत सारे चार सुनाना सुना सकती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, लेकिन चार बिस्तरे और सुना। मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, छोटी बहन ये बैठी है, और चांदनी तो फिर चांदनी है, उसका तो जवाब ही नहीं। देखिए, अपनी आंखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, शुमार मत गिनना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है के प्यार मत। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेहतरीन मैम, बेहतरीन। वो तो अलग बात है कि मैं अब ये मशवरा देने लगी हूँ, मुझे भी आज से 35 साल पहले किसी ने मशवरा दिया था लेकिन मैंने भी नहीं माना। मशवरा है के प्यार, क्या कहने, कर लेना बहुत उम्दा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। धन्यवाद। बस करती हूँ, इतने करीब वाके सदा दे गया हमसे, वाकई जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं यहाँ। अब बस सुनने वाले लोग ही बैठे हैं मैम। बेधड़क चले गए, अगर वो होते तो ये कहते कि यहाँ छठे छठाए लोग बैठे हैं। मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, छठे छठाए से मतलब वाकई जो शायरी से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, वो बैठे हैं, शायरी सुनने वाले बैठे हैं। वरना आज के दौर में क्या नहीं है एंजॉय के लिए, लेकिन शायरी से इतनी मोहब्बत, वाकई मैं आप सबके लिए तालियां बजाती हूँ। वाह वाह वाह। इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, चलो अल्लाह का शुक्र है फूल खत्म हो रहे हैं। इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी। जादू जादू हो रही, अब शायरी नहीं जादू हो रहा है। इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। अब मतलब भी सुन लो दादा, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे। क्या बात है, जीने का एक मिजाज नया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये रुको रुको तो बाप, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे। मकता भी सुनाती हूँ कि उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर,
वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ। मैं वही पुरानी तेरे बगैर जिक्र दिखा दिया। क्या करूं मैं, बहुत फेरिस्त लगती है। चलिए कोशिश करती हूँ, कोशिश करती हूँ। इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे। मैं पूछ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। हाँ, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद, तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है ये। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। याद दिलाते जाइएगा, नहीं इतनी जल्दी रेल नहीं चलाएंगे। सुनिए, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, जब तक सब नहीं बजाएंगे यही पढ़ती रहूंगी। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। ओ बनारस है ये, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। एक शेर सुनाना चाहता, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है। एक जमाना था, मैंने ये शेर को मोड़ दे दिया था। जैसे कि मेरे भाई दानिश ने कहा था कि शराफत और मोहब्बत भी हो सकती है, फिर गजल कई रंग बदलती है। अब इसको आप पाकिस्तान ले जाइए, शेर को सुनाते। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। अच्छे शेर में थोड़ा सा वक्त लगता है, पता नहीं आप लोग तो, आपको फौरन दाद देनी है, सोचने ही नहीं है, कल सोचेंगे अच्छा था या बुरा था। थोड़ा सा आप रुक जाते हैं तो इतनी देर में मुगल सराय शेर पहुंच जाता है। थोड़ा सा जल्दीबाजी करना है। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। अब शेर सुनो। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, जो प्यार के मंदिर को। ये जोरदार तालियां मांगता था ये शेर, मैं समझती हूँ थक गए आप लोग। बाजार समझते हैं। एक गजल कुछ मुझसे भी ज्यादा मशहूर हो गई, इसलिए नहीं कि मैंने कपिल शर्मा शो में पढ़ दी, लेकिन आप सबने उसे पसंद किया तो नहीं चाहिए रदीफ है। और आप मेरे साथ
गा भी रहे हैं, आपको याद भी है, तो आज इस गजल का मजा शायद दो बाला हो जाए। प्यार नजरों में आना, तीन चार लड़के बैठे बड़े जिंदा दिल हैं वो। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना, देखो कैसे नजर आ रहा है प्यार, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, सब गाए। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। अब ये धड़क साहब चले गए, पता नहीं कहाँ धड़क रहे हैं वो। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, ज्यादा देर तक हंसना भी दीवाने की कसम होता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। और शेर सुनाती हूँ। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना, अब पतंगे उड़ाना, सब कहे नहीं चाहिए। और अंजुम का ये शेर बनारस वालों साबित कर देना, डाइस से भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है मैम। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल, मैंने ये सोच कर दिया दिल तुझे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं, दोनों हाथ उठा के तालियां मांगता है यश। दिल किसी का दुखाना, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। आदरणीय दादा, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रर इरशाद मैम, एक बार और सुना दे दो, क्या कहने। हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए।